अस्सलाम वालेकुम क्लास, हम पढ़ रहे थे क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन का टॉपिक, जिसमें हमने प्रीवियसली जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो हमने क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हमने डिस्कस किया था। फिल्ट्रेशन के कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी, डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की कि फिल्ट्रेशन की टाइप्स क्या होती हैं, डिफरेंट मैकेनिज़म्स क्या क्या हैं, सरफेस फिल्ट्रेशन डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, ये हमने कुछ इनके बारे में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि केक जो है, केक फॉर्मेशन जो है फिल्ट्रेशन के ऊपर, फिल्ट्रेशन के अंदर जो केक फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो कब बेनिफिशियल है? जब जो केक आपके पास बना है वो लूजली बाउंडेड मटीरियल का हो, वो नॉन कंप्रेसिबल हो और उसके अंदर से सफिशेंट फिल्ट्रेट जो है वो पास करके हमारे पास जो है वो अचीव हो सके। तो इसको इंश्योर करवाने के लिए केक अगर फॉर्म हो जाता है तो केक को लूज़ करने के लिए, केक की कंपैक्टिबिलिटी को कम करने के लिए और उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर एड्स। ठीक है, फ़िल्टर एड्स की लास्ट टाइम भी हमने कुछ डिस्कस किया था, इसको हम मैं आपको दोबारा से इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि फ़िल्टर एड्स क्या हैं, जो कि फ़िल्ट्रेशन को इन्हांस करते हैं। ये फ़िल्टर केक की जो रेजिस्टेंस है या उसकी जो कंपैक्टिबिलिटी है, ये फ़िल्टर केक की रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और अगर जैसे ही फ़िल्टर जो केक है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, उतनी ही फ़िल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हेन दे आर एडेड टू द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, दे रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर केक एंड इंक्रीजेस द फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, व्हाइल फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स कंटेनिंग एनी स्लाइमी एंड कंप्रेसिबल मटीरियल्स द फिल्टर मीडिया सून गेट क्लॉग्ड। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई मटीरियल इस तरह का हो हमारे पास फिल्टर करने वाला, जिसमें कुछ स्लाइमी या कोर्स मटीरियल है या फिर थिक कोई सब्सटेंस है, तो फ़िल्टर मीडिया जो है वो बहुत जल्दी क्लॉग कर जाता है। तो इसको अनक्लॉग करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर एड्स केमिकल्स ऐसे यूज़ करते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं उसके साथ जाके, उस मटेरियल के साथ, और उसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं। तो फ़िल्टर एड्स हम एक तो फ़िल्टर केक उसके रेजिस्टेंस को भी कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और सेकेंड इसका फंक्शन क्या है कि जो क्लॉग्ड आपका फ़िल्टर मीडिया होता है, जो भी आपका फ़िल्टर पेपर है या फिर कोई भी किस्म का फ़िल्टर मीडिया है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको क्लॉग होने से बचाते हैं या फिर जो क्लॉगिंग हो चुकी है वो उसको ओवरकम और रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो फ़िल्टर एड क्या करता है? फ़िल्टर एड जो है वो एक पोरस और नॉन कंप्रेसिबल केक को इंश्योर करता है। अगर कंप्रेसिबल केक होगा तो फिर पार्टिकल्स जो हैं वो जब आप नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो केक जो है अगर कंप्रेसिबल होगा तो प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ जो है वो कंपैक्ट मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंपैक्ट मास में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके अंदर से फिर पोरोसिटी भी कम हो जाएगी और लिक्विड की पासिंग जो कैपेबिलिटी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज़ दीज फिल्टर एड्स। इसको हम बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 to 0.5% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस फिल्टर एड्स इज एडेड टू द सैम्पल फिल्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ऐड करते हैं, ताकि जो केक बने वो हमारा लूज बने। तो एक बात से हमें पता चलती है कि हम फिल्ट्रेशन की इनिशिएशन जो आप स्टार्ट करने लगेंगे तो उसमें ये फ़िल्टर एड्स को ऐड कर दिया जाएगा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, एक दफ़ा अगर कंपैक्ट केक बन गया फिर आप फ़िल्टर एड्स ऐड करेंगे तो इनका इफ़ेक्ट नहीं होगा उस तरीके से। ठीक है, तो आइडियल फ़िल्टर्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हमने आइडियल फ़िल्टर मीडिया की कुछ टाइप्स पढ़ी हैं कि जो भी आप केमिकल, जो भी आप लिक्विड फ़िल्टर करना चाह रहे हैं उसके साथ, वो एक तो पहली बात है कि रिएक्ट ना करें, केमिकली रिएक्ट ना करें, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। ठीक है, केमिकली रिएक्ट ना करें और केमिकली रिएक्ट करके उसको चेंज ना करें। ठीक है, तो फिर क्या चीज़ है इसकी इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि इसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी जो है वो कम होनी चाहिए। स्पेसिफ़िक ग्रेविटी आपको पता है क्या होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सैम्पल और आपका जो भी सब्सटेंस है जो आप फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इस केस में
जो स्पेसिव ग्रेविटी फिल्टर रेट की क्या होगी, डेंसिटी ऑफ अ फिल्टर रेट केमिकल सब्सटेंस, और उसको आप रेशियो होती है इसकी, कंपेयर करते हैं रेफरेंस सब्सटेंस, यूजुअली आप अगर लिक्विड है तो उसमें वाटर कंपैरिजन करते हैं रेफरेंस सब्सटेंस से, ठीक है। तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए इसकी, इसकी डेंसिटी लो होनी चाहिए फिल्टर रेट की, बिकॉज अगर ये ज़्यादा डेंस सब्सटेंस होगा तो ये एक तो पहली बात है कि ये उस केक को पोरस बनाने में एक तो हेल्पफुल नहीं होगा। उसके बाद सेकंड चीज़ ये होती है कि फ़िल्टर एड ने क्या करना होता है, सब्सटेंसेस को सस्पेंड करवाना होता है, ठीक है। इनका मकसद होता है कि इन्होंने फ़िल्टर एड्स ने सस्पेंड करवाना है पार्टिकल्स को, ताकि जब वो सस्पेंशन की फॉर्म में रहेंगे तो केक एक तो जो फॉर्म होगा एक तो स्लो फॉर्म होगा, और फिर जो उसके अंदर जो कम्पैक्टनेस है वो कम होगी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है कि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लो होनी चाहिए। इट दे शुड बी ऑल्सो इनसॉल्युबल इन लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। हम फिल्टर मीडिया की बात कर रहे थे कि वो एब्जॉर्ब ना करें मटीरियल को, लिक्विड को एब्जॉर्ब ना करें, केमिकली रिएक्ट ना करें। फिल्टर रेट का भी यही पर्पस है कि सिर्फ उसने जो है उनको एक लूज फॉर्म में सस्पेंड करवा के रखना है लिक्विड को, इसके साथ वो सॉल्युबल ना हो, ठीक है। जो चीज़ आप फिल्टर करना चाह रहे हैं उसके अंदर ये इनसॉल्युबल हो, ठीक है। फिर अल्टीमेटली गोल इज़ हमारा ये कि पोरस केक फॉर्मेशन हो, और पोरस केक फॉर्मेशन के बाद एक दफ़ा फिल्ट्रेट आपका मिल गया तो लिक्विड से ये इजीली रिकवरेबल हो। अगर ये सॉल्युबल होगा लिक्विड के अंदर तो इसको रिकवर करना उतना ही मुश्किल है। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल है तो इसको आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जो कि फिल्ट्रेट यूज़ होती हैं, टाल्क है, चारकोल, एस्पेस्टॉस, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं फिल्ट्रेट्स की यूज़ होती हैं बहुत लो क्वान्टिटी में, ठीक है। ये अब कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज़ करते हैं हम फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। फनल्स यूज़ होती हैं, ये कॉमनली लैब में आप यूज़ करते आ रहे हैं, फ़िल्टर फनल्स, ग्लास फनल्स जो होती हैं, इसके अंदर फ़िल्टर पेपर अप्लाई करके इसको यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल के लिए। फिर आपके पास अगर कोई क्रोसिव मटेरियल है या फिर हॉट मटेरियल है, क्रोसिव मटेरियल है, तो उसके लिए ये पोर्सिलेन की ये आपको सिरेमिक की बनी हुई होती हैं बुचनर फनल। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता तो एक सेकंड में अभी आपको इसकी तस्वीर यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपको जो ये है बुचनर फनल, इस तरह की हमारे पास अवेलेबल भी है, ये भी यूज़ की जाती है फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। फिर कुछ टाइप्स हैं, हॉट वाटर फनल, सिंटर ग्लास फनल। अब ये सिंटर ग्लास की बनी हुई होती है, हमने ये पढ़ा है कि फिल्टर मीडिया क्या होता है, जो कि अंदर फिल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन के लिए आप यूज़ करते हैं मटेरियल, तो उसमें भी हमने एक पढ़ा था सिंटर ग्लास का वो यूज़ होता है। अब वो किस लिए यूज़ होता है, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो पेरेंटल्स और आईवी इन्फ्यूजन्स के लिए, आई ड्रॉप्स आपने पेरेंटल्स जब स्टीराइल फॉर्मुलेशन बनानी है उसके अंदर यूज़ होता है, तो ठीक है ये सिंटर ग्लास फनल्स भी उनमें यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अदर वन इज़ हॉट वाटर फनल्स, डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, कुछ आपकी स्मॉल स्केल के ऊपर हैं, जो लार्जर स्केल के लिए यूज़ होती हैं वो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स में भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, ऑलरेडी हम पहले कुछ मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूँ मेम्ब्रेन फिल्टर्स की कुछ टाइप्स हैं, ये बिल्कुल आप कहें स्मॉल स्केल पे, लेबॉरेटरी स्केल पे यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। फिर फिल्टर लीफ जो है ये लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता है, प्रोसेस अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इंशाल्लाह जो आप परफॉर्म करेंगे हमारे पास जो अवेलेबल भी है वो फिल्टर प्रेस है, ठीक है, लेबॉरेटरी स्केल पे। और एक अगर आपने बैच प्रिपेयर करना है कोई किसी भी फॉर्मुलेशन का स्मॉल बैच, तो उसके लिए फ़िल्टर प्रेस जो है यूज़ होता है। सिमिलरली रोटरी फिल्टर्स हैं और मेटा फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स होते हैं इनकी हाई एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये जो फर्दर टाइप्स हैं इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनमें जो हम फार्मास्यूटिकली ज़्यादा यूज़ होती हैं लार्ज स्केल पे, इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फ़िल्टर प्रेस जो है डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, एक वर्टिकल भी आता है, हॉरिजॉन्टल फिल्टर प्रेस भी है, ठीक है। ये आप दोनों ही परफॉर्म करके इंशाल्लाह देखेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट यहाँ आप परफॉर्म करेंगे। फ़िल्टर प्रेस क्या होता है, फ़िल्टर प्रेस में डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। एक तो पहली बार मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल डायरेक्शन में फिल्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन, बट द प्लेट एंड फ्रेम प्रेस इज़ वाइडली यूज। तो प्लेट एंड फ्रेम प्रेस क्या है, ये इस तरीके का एक असेंबली होती है, इसकी मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपको इसे अंदाज़ा हो जाएगा इस तरीके की ये इसका डिज़ाइन होता है फ़िल्टर प्रेस का। इसमें जो इम्पोर्टेंट, ये जो आपको मॉडल नज़र आ रहा है ये फुली ऑटोमेटेड है। हमारे पास जो होगा इसमें एयर कंप्रेसर, अगर आप एयर कंप्रेसर ये यहाँ यूज़ किया हुआ है, एयर कंप्रेसर का फ़ायदा ये होता है कि आप प्रेशर से लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स के अंदर जो है वो वाटर को, जो भी आपकी स्लरी है उसको आप फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये एक इंडस्ट्रियल स्केल का आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन आपको वर्किंग पर चल जाएगी कि वर्किंग क्या होती है इसकी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, यहाँ आपको ये जो नज़र आ रही है ये इनलेट है, ठीक है, ये इनलेट है। इनलेट इसमें दो जगह से इनलेट है, ये बॉटम इनलेट भी है, टॉप इनलेट भी है। हमारे पास जो मॉडल है उसमें सिर्फ टॉप वाली साइड से जो है वो इनलेट है और बॉटम से जो है वो उसकी क्या है, आउटलेट होगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मॉडल्स इसमें आते हैं। इसमें ये जो आपको नेक्स्ट नज़र आ रही है जो आउटलेट, ये जो साइट है, जो पाइप यहाँ लगा हुआ है, ये आउटलेट है। तो फंक्शन क्या है कि वाटर ने इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो अभी आपको डिटेल से सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप ये चेक करें, इस साइड पे हाइड्रोलिक प्रेस मौजूद है। हाइड्रोलिक प्रेस यानी कि ऑटोमेटेड एक आपके पास एक तरीका होता है। अच्छा, ये जो एंड पे जो प्लेट लगती है इसे कहते हैं एंड प्लेट, ये बिल्कुल आखिर पे होती है आपकी असेंबली के अंदर, ठीक है। एंड प्लेट के साथ भी आपका फिल्टर मीडिया होता है, ठीक है। इसमें कितनी तरह की प्लेट्स होती हैं, एक तो एंड प्लेट होती है, एक आपकी होती है मिडल पे एक प्लेट होती है, बाकी उन प्लेट्स को कहते हैं हम फिल्टर प्लेट, ठीक है। तो फिल्टर प्लेट्स क्या होती हैं, फिल्टर प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरह के ग्रूव्स बने होते हैं और साथ जो है उनके फ़िल्टर पेपर, हर प्लेट के साथ एक फ़िल्टर पेपर जो है वो फ़िल्टर पेपर या फ़िल्टर मीडिया कोई से भी हो सकता है। फ़िल्टर मीडिया में हमने ऐसे बात की थी कि क्राफ्ट पेपर वो भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस और बाकी और फैक्टर्स जो हैं, आपको किस तरह की वो चाहिए, फाइननेस चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एनीवेज, ये फ़िल्टर फ्रेम, फ़िल्टर प्लेट और फ़िल्टर फ्रेम, फ़िल्टर, अच्छा ये आपको जो नज़र आ रहा है ये जो मॉडल है इसमें एक फ़िल्टर फ्रेम है, एक इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक फ़िल्टर फ्रेम है, एक फ़िल्टर प्लेट है और एक बैक प्लेट है और एक उसमें अंदर फ़िल्टर मीडिया लगा हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो है वो फ्रेम और प्लेट जो है वो ऑलरेडी वेल्डेड है, इसके अंदर पहले से इंक्लूडेड है। आपने जस्ट प्लेट को अलग करना है और प्लेट के साथ जो है ग्रूव्स लगे हुए उसके ऊपर आपने जस्ट फिल्टर मीडिया जो है उस पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो फिल्टर को आपने एक दफ़ा प्लेट्स को जोड़ दिया, यहाँ क्या है, यहाँ टोटली फुली ऑटोमेटेड आपको नज़र आ रहा है प्रोसेस जो है, ये हाइड्रोलिक प्रेस के ज़रिए इसको प्रेस कर दिया है। हमारे पास क्या है, यहाँ मैनुअल स्क्रूज लगे हुए हैं, लेबोरेटरी स्केल पर हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यूँ एंटर होता है वाटर जो है इसके अंदर, दो साइड से एंटर हो रहा है, ठीक है। अगर सिंगल साइड से भी एंटर हो रहा है तब भी जो फिनोमेना है वो सेम है कि वाटर ने इस ग्रूव्स के ऊपर जो ये फ़िल्टर मीडिया लगा हुआ है इसके ऊपर वाटर ने मूव करना है, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये इसमें प्रेशर के ज़रिए जो है वो वाटर जो है वो एंटर हो रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है फ़िल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है। फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करता हुआ इस तरफ से ये यहाँ ऑब्वियसली यहाँ लगी हुई है, मैश लगी हुई है, मैश के थ्रू क्रॉस करता हुआ इस साइड पे अचीव हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ परफॉर्म करेंगे उसमें मैश नहीं है, वो सॉलिड जो है एक ग्रूव्स बने हुए हैं उसके ऊपर। तो उसमें क्या होगा कि वाटर टॉप से एंटर होगा और फ़िल्टर पेपर फ़िल्टर मीडिया के थ्रू होता हुआ बॉटम के ऊपर जो है वो फॉल करेगा, ठीक है। तो वाटर टॉप टू बॉटम मूव करेगा और बॉटम से वो आगे आउटलेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है सेम। आउटलेट जो है वो आपको यहाँ से इस जगह से बच रही है, ये देखें ये इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है। जब सफिशिएंट साइकिल के बाद आप आउटलेट को ओपन कर देते हैं ताकि आपको जो फिल्ट्रेट है वो हासिल हो सके, ठीक है।
अच्छा, ये जो स्लाइड में मैंने एक डायग्राम ऐड की हुई है, इसके अंदर आपको एक दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, एक हेड एंड नज़र आ रहा है। ये एंड जो प्लेट है ये मोस्टली हाइड्रोलिक प्रेस जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये उसके साथ अटैच होती है, यानी कि एक एंड प्लेट होती है, ठीक है, दो एंड्स पे प्लेट्स होती हैं, तो ये इसे कहते हैं हेड एंड। फिर फिल्टर पेपर हर एक के साथ लगे हुए, फिल्टर प्लेट लगी हुई है उसमें, आपने देखा था कि फिल्टर फ्रेम भी है, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक और प्लेट है, बैकर प्लेट। ये बैकर प्लेट भी डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर प्रेस के अंदर यूज़ की जाती है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपको द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट उसको कंट्रोल करने में, कम ज़्यादा अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं फिल्ट्रेट का वॉल्यूम, तो आप बैकर प्लेट को लूज़ कर देंगे और जो ट्रेज हैं आपकी, जो प्लेट्स हैं सारी, वो थोड़ी लूज़ हो जाएंगी, तो उसके अंदर पानी जो है या जो भी स्लरी वो ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। एनीवेज, डिज़ाइन इसका क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ हॉलो फ्रेम्स होते हैं और सॉलिड प्लेट्स होती हैं, जैसे कि अभी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स डिस्कस की। इसके ऊपर ग्रूव सर्फेसिस होते हैं, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। इन सर्फेस के ऊपर आगे फिल्टर मीडिया लगना है या फिल्टर क्लॉथ लगना है, क्राफ्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर प्लेट के साथ एक आउटलेट है और इनलेट है, इनलेट से वाटर या जो भी है मटेरियल उसने एंटर होना है और आउटलेट से फिल्ट्रेट ने पास करना है, ठीक है। द फ्रेम्स आर ओपन विद एन इनलेट फॉर द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। तो हर प्लेट के साथ एक आउटलेट है और एक इनलेट है। द प्लेट्स एंड फ्रेम्स आर असेंबल्ड अल्टरनेटिवली एंड ईच सेट वर्क एज अ यूनिट, इसमें कोई एक्सप्लेन वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ सच सेट्स मे बी अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मैंने आपको बताया था शुरू में कि दोनों डायरेक्शन में यूज किए जा सकते हैं। सो एंड दे आर फिक्स्ड विद आउटर फ्रेम ऑफ प्रेस, जो हमारे पास आउटर फ्रेम ऑफ प्रेस है ये इसके साथ जो है वो हाइड्रोलिक एक प्रेस जो है, अगर मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल एक स्क्रू लगा हुआ होता है जिसके ज़रिए आप इसको टाइटली होल्ड कर देते हैं। वर्किंग क्या है इसकी, लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज़ अलाउड टू एंटर द फ्रेम अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर आप जैसे वहाँ दिखाया था कि इसके साथ जो है एक एयर प्रेशर कंप्रेसर होता है, उसके प्रेशर के ज़रिए जो है उसको ऐड करवाते हैं आप लिक्विड को। द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू फिल्टर मीडियम ऑन टू द सरफेस ऑफ द प्लेट वाइल फिल्टर केक इज़ रिटेन इन द फ्रेम, ठीक है। तो फिल्टर मीडियम के थ्रू जब वो पास करेगा तो केक जो है वो फ्रेम के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और वो उसके अंदर जो है वो बाकी बाद में आप प्रोसेस के बाद उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। द फिल्ट्रेट ड्रेन्स आउट द प्लेट थ्रू द आउटलेट, द ऑपरेशन इज कंटिन्यूस टिल द फ्रेम इज फिल्ड विद फिल्टर केक। कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा जब तक फिल्टर केक जो है वो टोटली क्लॉग ना कर दे फ्रेम को। जब आपको आउटलेट आना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि अंदर केक जो है वो टोटली फॉर्म कर गया है, ठीक है। व्हेन द प्रोसेस इज स्टॉप फिल्टर केक इज रिमूव फ्रॉम द फ्रेम एंड द प्रोसेस इज रिस्टार्टेड। फिल्टर केक को आपने रिमूव किया, इसकी वॉशिंग की और दोबारा से प्रोसेस को इसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड वराइटी ऑफ मटीरियल रेंजिंग फ्राम वुड टू स्टेनलेस स्टील कैन बी यूज फॉर इस कंस्ट्रक्शन। कॉमनली स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है ताकि क्लीनिंग भी इसकी आसान होती है, लेकिन हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल से इसको बना सकते हैं फिल्टर प्रेस को। फिल्टर प्रेस इज़ वर्सटाइल एंड इट बिकॉज वराइटी ऑफ फिल्टर मीडिया कैन बी यूज। ये इसकी वर्सटिलिटी क्यों है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया इसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं। कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कोर्स टू फाइन मटीरियल। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैन बी ईजी। ऑपरेशन बहुत आसान है, हम परफॉर्म करके देखेंगे, सिंपल सब प्रोसीजर है इसका। ईजीली फिल्टर मीडिया को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं और हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल। और कैसे होगा कि हम सबसे पहले एक वाटर, सिंपल जो वाटर है टैप वाटर, उसको हम क्या करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी चेक करेंगे कंडक्टिविटी मीटर से। उसके बाद उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मड डाल देंगे या सैंड डाल देंगे, उसको गंदा कर देंगे वाटर को। फिर हम पास करेंगे उसको मडी वाटर की कंडक्टिविटी चेक कर लेंगे, उसको नोट डाउन कर लें। फिर फ्रेम प्रेस से इस तमाम मटेरियल को आपने पास करवाना है। पास करवाने के बाद क्या होगा कि जितना भी आपने वो ऐड किया होगा मटेरियल इसके अंदर, वो केक की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और फिर एंड में हम इसकी कंडक्टिविटी दोबारा से चेक करेंगे, उसे आप एफिशिएंसी इसकी
कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, एक तो ये बात है कि ये बैच फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए, तो इकोनॉमिकल पर्पसेस जो हैं इसमें थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज अगर आपका लार्ज कोई बैच है या कंटिन्यूस कोई आपकी प्रोडक्शन लाइन है तो उसमें ये बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स बाय ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये कॉस्टली है, इसको प्लेट्स को बार बार चेंज करना, रिमूव करना, लेबर कॉस्ट आप भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये तब यूज़ होती है जब स्लरी के अंदर से 5% से कम हो सॉलिड जो है आपकी सब्सटेंसेस जो हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस जब लेस देन 5% हो तब ये कॉमनली यूज़ की जाती है। ज़्यादा सब्सटेंस में चांसेस यही हैं, अगर बहुत ज़्यादा सॉलिड्स मटेरियल है इसके अंदर तो क्लॉगिंग के ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, तो बार बार स्टॉप करके प्रोसेस को फिर इसको ओपन करें और इसको वॉश करें, तो इसमें टाइम टेकिंग ये एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ऑल्सो लीकेज बिटवीन प्लेट्स टेक्स प्लेस थ्रू द फॉल्टी असेंबली, अगर असेंबली में ब्रेकेज है या फिर आपने सही तरीके से इसको टाइट नहीं किया हुआ, इसको सही तरीके से प्लेस नहीं किया हुआ, इसमें लीकेज भी आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये फिल्टर लीफ, ठीक है, इसकी मैं भी आपको अच्छा वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको फिल्टर लीफ जो है ना उसका कुछ जो बेसिक फंक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैं बता देता हूँ। फिल्टर लीफ में होता क्या है कि हम इस तरीके के ये जो है आपको ये लीफ नज़र आ रहा है इस जगह, ये ठीक है, ये क्या है, ये इस तरह का जी, ये इस तरह का एक फिल्टर लीफ होता है। होता क्या है, ये एक असेंबली है, आउटर साइड पे एक इसके क्लॉथ है, क्लॉथ के अंदर एक सेंटर में आपको ये जो एक आउटपुट से एक नज़र आ रही है नॉब से ये टॉप और बॉटम पे, अंदर उसके एक ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरीके की इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, आप कह लें एक प्लेट की तरह का होता है, इसे हम कहते हैं लीफ है ये, ठीक है, ये फिल्टर लीफ है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है कि फिल्टर लीव को आप के पास जो भी स्लरी है या फीड है जिसे आपने पार्टिकल्स को रिमूव करवाना है, जिससे आपने फिल्ट्रेशन करवानी है, आप क्या करते हैं कि ये जो लीफ है उसको आप डिप कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं उस स्लरी के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको एक और तस्वीर है ये इस तरीके का एक आप कहें लीफ होता है, लीफ को आप इंसर्ट कर देते हैं अपने उसके अंदर स्लरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये इस लीफ के साथ टॉप पे एक ये एंड है, यहाँ इस साइड पे एक आप कहें कि ओपनिंग होती है या एक वॉल्व होता है, और सेंटर में मैंने आपको बताया कि एक इस तरह की एक ट्यूब होती है जिसको आप कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, यहाँ ड्रेनेज ट्यूब होती है, परफोरेटेड ट्यूब होती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब आप उसको इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर तो मूव करता है आपका जो स्लरी है वो मूव करती है, क्लॉथ को पहले क्रॉस करती है, क्लॉथ को क्रॉस करके ये जो अंदर ड्रेनेज ट्यूब है इसके अंदर जो लिक्विड है आपका वो लिक्विड इजीली इसके अंदर जो है वो मूव कर जाता है, ठीक है। और जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है जो केक फॉर्मेशन है वो आपकी इस क्लॉथ और इसके दरमियान यानी क्लॉथ के अंदर वाली साइड पे केक की जो है यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक दफ़ा जो वाटर है जो भी डिजायर्ड सब्सटेंस है वो आपका ड्रेनेज इस सिस्टम के अंदर मूव कर जाएगा, तो इस वॉल्व के साथ जो है इस वॉल्व का एक जो आउटर यूनिट होता है इसको कहते हैं फ्रेम, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस साइड पे फॉर एग्जांपल ये इसका क्या है ड्रेनेज सिस्टम है, इसको इस जगह जो है एक वो लगा हुआ होगा एक वैक्यूम जो है हम इसको इंसर्ट कर देंगे, यानी आउटर असेंबली जो होती है उसके साथ वैक्यूम जो है वो अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये इर्द गिर्द उसका एक फ्रेम है, ठीक है। तो फ्रेम के साथ जो है यहाँ एक वैक्यूम असेंबली जो है वैक्यूम पंप जो है वो अटैच कर दिया जाता है, और फिर नेक्स्ट क्या है कि एक दफ़ा जब फिल्ट्रेट इसके अंदर आ जाता है ड्रेनेज पाइप के अंदर तो वैक्यूम के ज़रिए इसको यहाँ से रिमूव करवा दिया जाता है। तो एक तो मैकेनिज्म ये है कि वर्टिकली आप उसको इमर्स कर दें स्लरी के अंदर जो क्लॉथ है इसको क्रॉस करते हुए फिल्ट्रेट जो है वो ड्रेनेज पाइप के अंदर आ जाएगा, वहाँ से फिर ये
वैक्यूम के जरिए रिमूव करवा दिया जाए, एक तो ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट एक और मैकेनिज्म ये कि आप इस तरह की जो लीव्स हैं, ये आपको एक लीव जो नज़र आ रही है, एक जो प्लेट नज़र आ रही है, इसी तरह की आप मल्टीपल लीव जो हैं वो उनको आप सीरीज़ में यूज़ करते हैं। मतलब आप 5-6 या मल्टीपल, मैं आपको बल्कि वीडियो दिखाता हूँ उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें आपको यहाँ नज़र आएगा कि कौन कौन से जो हैं वो ओके। आपको यहाँ इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से लीफ की एक तो असेंबली होती है और किस तरीके से वो प्लेस किया जाता है आपके वर्किंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, ये आपको एक फ्रेम नज़र आ रहा है, आउटर फ्रेम है लीफ का। ठीक है, उसके अंदर ये एक जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, इसकी ड्रेनेज ट्यूब है, ड्रेनेज पाइप है, सही है। नेक्स्ट इसके इर्द गिर्द ऊपर जो है मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मैश लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ शो हो रहा है, मल्टीपल मैश डिफरेंट टाइप की फाइन लेयर्स जो हैं वो इसके ऊपर लगी हुई हैं, और आउटर साइड पे एक आपका जो फाइनल क्लॉथ है वो म्यूसलिन क्लॉथ जो है वो उसके ऊपर अटैच होता है। ठीक है, और टॉप पे ये इस तरीके से फ्रेम को स्क्रूज के ज़रिए और इस तरीके से रॉड के ज़रिए इसको फिक्स करवा दिया जाता है। अब ये मल्टीपल जो फ्रेम्स हैं, मल्टीपल जो लीव्स हैं, वो अरेंज कर दी जाती हैं सीरीज़ में। अब ये सीरीज़ में सारी जो हैं वो पैरेलल अटैच कर दी गई हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है? एक तो मैकेनिज्म ये था कि आपने सिंपली उसको इमर्स कर दिया, इमर्स करके उसको आप टॉप पे वैक्यूम अप्लाई करें और इसको क्लियर कर दें। एक और मैकेनिज्म ये है कि आप इसके ऊपर जब आप वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वो फिल्ट्रेशन अंडर नेगेटिव प्रेशर कहलाएगी। ठीक है, जो हम प्रीवियस डिस्कस किया। अब इस केस में क्या है, इस केस में आप पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव प्रेशर मतलब यानी आप पंप कर रहे हैं स्लरी को इस मटेरियल के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप पंप कर रहे हैं। अभी आपको नज़र आएगा कि वो तमाम उसको फिल करके बॉटम से डिफरेंट टाइप ऑफ स्लरी जो है वो इसके अंदर पंप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका क्लोजर होता है, टॉप पे इसको सील कर दिया बिल्कुल टोटली। ठीक है, और इसको लॉक से आपने बिल्कुल प्लेस कर दिया इसको फॉर्म। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हुए बॉटम से स्लरी जो है वो डिफरेंट टाइप की स्लरी आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और वो इसके ऊपर क्या होती है, कोट कर जाती है। ठीक है, तो एक दफ़ा आपकी स्लरी इस पूरे क्लॉथ के अंदर से, पूरी लीफ के अंदर से पास करके आपको ड्रेनेज इस पाइप से, आपका ये ड्रेनेज पाइप है, क्योंकि एक दफ़ा जब ये सारी इसके रिमूव कर जाएगी, सेंटर में क्या है, हर लीफ के सेंटर में ड्रेनेज पाइप है, वहाँ से फिल्ट्रेट जो है आपका कलेक्ट हो जाएगा आउटलेट के ज़रिए। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज़म्स हैं, एक तो आप वर्टिकली भी इंसर्ट कर सकते हैं और आप इसको सीरीज़ में भी इंसर्ट कर सकते हैं। वर्टिकली आप खाली इमर्स करते हैं तो आप क्या करते हैं, टॉप पे वैक्यूम पंप लगा के नेगेटिव प्रेशर आप एक अप्लाई कर देंगे। इस केस में अगर आप सीरीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे, स्लरी तमाम उसमें से पास करेगी लीव्स में से और फाइनल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि ये फाइननेस ज़्यादा आएगी, ज़्यादा अच्छी एक्सट्रैक्शन आपको अचीव हो सकती है इसमें। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिल्टर लीफ किस तरह का होता है। एक फ्रेम होता है, फ्रेम के सेंटर में एक ड्रेनेज स्क्रीन होती है, ड्रेनेज पाइप होता है, मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, ग्रूव प्लेट्स हैं। ठीक है, होल यूनिट जो है उसको आउटर जो उसकी सरफेस है वो एक क्लॉथ के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है। ठीक है, ये मैं एक इंडिविजुअल लीफ की बात कर रहा हूँ जो अंदर प्लेस की हुई है। ठीक है, द इनसाइड ऑफ द फ्रेम इज़ फिटेड एन आउटलेट, आउटलेट होता है, हमने देखा था कि आउटलेट किस तरीके से वो वहाँ से आप फिल्ट्रेट को रिमूव कर लेते हैं, और एक वैक्यूम पंप के साथ जो है वो अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, फ्रेम ऑफ द फिल्टर मे बी ऑफ एनी शेप, डिफरेंट शेप्स की फिल्टर लीव्स की ये जो लीव्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। फिल्टर लीव जो है इमर्स कर देते हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आप वैक्यूम अप्लाई करते हैं नेगेटिव प्रेशर के ज़रिए तो तब भी आप कर सकते हैं इसको सेपरेट। एक टाइप है कि आप इसको सीरीज़ में अप्लाई कर दें। एडवांटेजेस क्या हैं, अच्छा केक जो है वो डिपॉजिट हो जाता है आउटर सरफेस फिल्टर क्लॉथ के, क्लॉथ के जो सरफेस है उसके ऊपर फिल्टर
जो केक है ये डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको आप बाद में इजीली वॉश कर दें या फिर आप एयर फ्लो या फिर इसके अंदर से क्या करते हैं, आप एयर को हाई स्पीड से फ्लो करवाते हैं इस ड्रेनेज पाइप के अंदर से, ठीक है। उसके जब आप हाई स्पीड से फ्लो करवाते हैं तो हवा के ज़रिए जो केक है वो यहाँ से डिटैच हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है, लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड फ्रॉम एनी वेसल, डिपॉजिटेड केक कैन बी रिमूव सिंपली बाय वॉशिंग विद वाटर, इसको रिमूव करना भी आसान है, आप एयर के ज़रिए या वाटर के ज़रिए सिंपली वॉश करके आप कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर लिक्विड्स हैविंग मोर देन 5% सॉलिड कॉन्टेंट्स। लेबर कॉस्ट जो है इसके अंदर वो कम है, बिकॉज इसको एक तो वॉश करना वो ज़्यादा ईजी है और फिर इसकी असम्बली जो है वो बनिस्बतन फ्रेम प्रेस के वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ये लार्ज स्केल पे जो कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है वो है रोटरी प्रेस। सेम इसका प्रिंसिपल है लीफ फिल्टर की तरह, उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स होंगे, डिफरेंट लीव्स होंगी। मैकेनिज्म यही है कि उसने मूव करना है, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये प्लेट्स को, परफोरेटेड प्लेट्स को, ड्रम्स जो यहाँ लगे हुए रोटरी ड्रम फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर, तो इसको वो क्रॉस करके केक इसके अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसकी भी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली फाइल मैं अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट फाइल में अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो काइंडली मुझे आप अपनी जो अटेंडेंस है वो भी नीचे कमेंट्स में लिखते हैं, और कोई क्वेश्चन है आपका किसी हवाले से काइंडली क्वेश्चन आप नीचे जो है मुझे पोस्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रोटरी फिल्टर्स की और फिर मेटा फिल्टर्स हैं, बुशनर फनल है और फिर फिल्टर फनल्स जो हमने सिंटर ग्लास फनल डिफरेंट टाइप्स की, फिर हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे।